तो बेच दिए चिन्नी के कट्टे कुट्टे। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। करनाल के डबरी में आपको बता दें कि किस तरह से एक चोर को पकड़ा गया और फिलहाल डायल 112 की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई है और ये सामान पूरे का पूरा नहर किनारे बरामद हुआ। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। भारी मात्रा में जो सामान है वो बरामद हुआ और कुछ दिन पहले बताया जा रहा है कि जो चोरी है वो हो गई थी एक दुकान में और जिन चोरों ने, जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने ये चोरी की थी, उन्हें फिलहाल आप देख सकते हैं कि करनाल पुलिस ने मौके से ही पकड़ लिया। आप सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीरें इस समय करनाल से देख रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? नाम टिंकू है जी। टिंकू कहाँ रहते हो? सर रामनगर। आपने चोरी की है कोई? सर मैं नहीं था जी, तीन लड़के थे उन्होंने किया जी। कौन कौन है वो? सोमबीरा जी। बाप का नाम? बाप का नाम नहीं। कहाँ का है वो? ये रहता तो यहीं पर ही था जी। और दूसरा? दूसरा जी संदीप है जी। तीसरा? सोन है जी। तो आपको क्यों पकड़ा हुआ पुलिस ने? मेरे को तो ये, मैं उन्होंने फोन करा था जी। किस लिए? रात को जी यहीं पर स्मैक पी थी हमने ने। अच्छा, नशा करते हो? हाँ जी। कौन सा स्मैक? का हाँ अच्छा। जी तो उन्होंने पहले कर रखा था जी, ये चोरी कर रखी थी। मेरे को पता नहीं किया था, ये करियाने का सामान था जी। दुकान से चोरी किया था? हाँ जी उन्होंने। अच्छा हाँ जी। तो ये इन्होंने पकड़ लिया सामान, उन्होंने फोन किया मेरे को कि वहाँ पड़ा सामान। अभी भी नशा किया हुआ तुमने? क्या नशा किया हुआ अभी? मैंने सर गोली खा रखी है जी। तो कोई काम कुम कर लिया करो नशा करने से, अच्छा ही है। सर काम करता हूँ सर। यही चोरी का? नहीं जी, मैं बैरिंग का काम करता हूँ। सामान तुम्हें पता था यहाँ पड़ा हुआ बरामदगी? उनको भी पता था जी। अच्छा हाँ जी। तुमने बरामदगी तुमने करवाई है अब सामान की? हाँ जी। क्या क्या सामान था वो? यही था जी जो इन सामने, इनके सामने तेल है जी। और करियाने की दुकान में चोरी की थी? हाँ जी। तेल के साथ और क्या है? और पता नहीं क्या क्या है जी, मैंने देखा नहीं है। पीछे साथ मंदिर में चोरी हुई है वो? मंदिर में भी? मंदिर में भी चोरी हुई है। मंदिर में मंदिर का गल्ला बाड़ा रहने वही है। कहाँ के रहने वाले हो तुम? सर मैं गांधीनगर राम नरेश चक्की के पास। नरेश चक्की। बाकी लड़के कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव के हैं नहीं के। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने इसे पकड़ा हुआ है और ये कह रहा है कि मेरे दोस्तों ने चोरी की थी, सामान कहाँ रखा हुआ है वो मुझे भी पता था और मौके से ही इसे पकड़ लिया गया। और आप देख सकते हैं कि डायल 112 की जो बेहतरीन सर्विस है 15 मिनट में कहीं पर भी पहुंच जाती है। हरियाणा पुलिस द्वारा ये सर्विस कुछ ही दिन पहले शुरू की गई है और लगातार इस तरह के जो मामले हैं लगातार सामने आ रहे हैं कि किस तरह से मौके से ही चोरी का आरोप इस युवक के ऊपर है और कहा यह जा रहा है टिंकू, इसका नाम बताया जा रहा है और इसी ने ये सामान यहाँ पर रखा था। क्या क्या सामान बेचा, कौन कौन सा है आपने? सर मैंने कुछ नहीं बेचा। नेटाने बेचे बताना क्यों नहीं? उन्होंने क्या बेचा? उनको भी पता जी। आपकी दुकान थी? नहीं जी, अंकल की दुकान। क्या मामला है ये? मामला जी परसों चोरी हुई, शक तो इन तीन जनों पे था और पहले इन पे कुछ दिन पहले गल्ला पटा था, इन पे नाम आ रहा था। मारा टेंशन ना लो, हम पकड़ेंगे चोर। इन तीन पे डाउट था मारा, तब नजर रखो। आते जाते थे वहाँ गेड़िया मार रहे थे ये परसों रात को। हमने 12:30 बजे तक मैं वहीं था, मैं रामनगर से काम पे आया हुआ था। फिर मैंने देखा उसके बाद ये रात को चोरी हुई है 3-4 बजे। फिर कल भी ये गेड़िया मार रहे थे, हमने इस पे नजर रखा। मैंने जिस बंदे पे 10 रुपए जेब में नहीं होते, 2,500 रुपए कल ले रहे थे, टीन के कट्टे, टीन के ले रहे थे डब्बे और चिन्नी के कट्टे वगैरह थे, कई चीजें थी इन पे। मेरा नाम दीपक है, दीपक है इनका नाम और ये सामान है जो फिलहाल बरामद हुआ है। और आप देख सकते हैं कि करियाने की दुकान का, ये देखिए कोलगेट पेस्ट, जो कुछ सामान था, छोटी सी दुकान थी, उसका भी सामान लेके ये चंपत होते रहे यहाँ से। और किस तरह से अब आप देख सकते हैं कि जो जांच अधिकारी है रामपाल वो मौके पर पहुंचे। ये देखिए बीड़ी के बंडल, तेल, कोकोनट ऑयल, तमाम लाइटर, हर तरह के, ये देखिए पेपर सोप, ये देखिए बीड़ियाँ, ये तक इन्होंने चोरी कर ली, ये बीड़ियां तक इन्होंने चोरी कर ली। और किस तरह से रामनगर पुलिस आप देख सकते हैं कि अब मौके पर पहुंची हुई है और अब इन्हें रामनगर थाने में लेकर जाया जाएगा। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीरें इस समय आप करनाल से देख रहे हैं जहाँ पर ये देखिए, और फिलहाल बताया जा रहा है कि कुछ और आरोपी हैं, उनका जो फोन है वो इनके पास आया है और उससे ये जो चोरी का जिस लड़के के ऊपर आरोप लग रहा है वो यहाँ पर बातचीत कर रहा है। रामपाल जी क्या मामला था, आप लोग पहुंचे हैं यहाँ पर?
हमारे पास कॉल आई थी जी 112 से भी ऐसे ऐसे करके वहाँ कोई बंदे इकट्ठे हो रहे हैं और कोई बंदा पकड़ रखा, तो आगे पता लगे भाई इसने चोरी की है और चोरी का सामान इन्हें बरामद करा दिया यहाँ से, यहीं से करवाया, यहीं से कराया। तो आपने पकड़ा कहाँ था इसको? ये वहीं सैदपुरा नहीं पकड़ा, तो यहीं है ये। अच्छा, यहीं पकड़ा है। तो मौके पे सामान बरामद हुआ? मौके पे सामान बरामद हुआ जी। इसके 2-3 साथी हैं, वो बुला रहे अभी ये उनको फोन करके जी, और वो फरार हैं। बाकी बुलाया इसने फोन करके इनको। और ये देखिए, वो देखिए, वो देखिए फोन पर बात कर रहा है, फोन पर बात कर रहा है अपने साथियों के साथ, और वो उसे पकड़ रहे हैं। और ये देखिए फोन पर जो चोर है वो बात कर रहा है, चोरी का इस युवक के ऊपर आरोप है और पुलिस का कहना है कि चोरी इसी ने की, इसके पास से ही जो सामान है वो बरामद हुआ है, और अपने दोस्त से ये बात कर रहा है। किससे बातचीत हुई है अभी तो आप? ये जो दूसरे लड़के से बात कर जिन्होंने शटर उठाया, मैंने चोरी बोल रहे हैं, वो आ रहे हैं पर यार नहीं आ रहा है। क्या कर रहे हैं? आपने क्या बताया उसको? मैंने तो ये बुलाया उसको ये बस। आपको कैसे पता कि उसने शटर उठाया? ये सामान रात को यहाँ पर, अगर सच बोलेगा ना, ये सारे बंदे खड़े हैं अभी छुड़वा देंगे अगर सच बोलेगा, झूठ बोलेगा तो फिर तेरे को पता है। रात को यहाँ ड्रग्स ली थी ये हमने, ड्रग्स ली थी। हाँ जी, कौन सी? स्मैक पी थी जी, स्मैक पी थी जी। माँ बाप क्या करते हैं तुम्हारे? मम्मी पापा टेलर हैं जी। टेलर हैं, बड़ा नाम रोशन कर रहे हो उनका? सर मैं तो बैरिंग का काम करता हूँ, मेरा दो नशा करते हो तुम? काम तो जो करते हो करते हो, नशा भी तो करते हो साथ में? नशा तो करते हैं जी। तो फिर अगर बैरिंग का काम कर रहे होते तो अपनी दुकान में होते ना, अपने घर पे होते? ये रात भी 12 बजे तक घूमते रहे, इसकी रात भी इन पे नजर थी, पर ये फंसे यहीं से ही पकड़ा जी, बीच में नारगी पटड़े पे। आप पीछे पीछे आए ना? मेरे साथ 2-3 लड़के अपने गांव के, उनको नजर रखने के लिए ये यहीं पे अपना खा पी रहे थे, ये अंदर बढ़ गया तो ये देखने लगे कुछ करने तो आया, तो उसका फोन आया, कह रहा भाई उनमें से एक यहाँ है, मैंने नजर रखी वो कर क्या रहा है, ये एकदम से अंदर जाके जैसे सामान उठाई से गेल की गेल पकड़ लिया, मैं फोटो खींच ले इसकी, ये फोटो नहीं खिंचवा रहा था उनपे, फिर इसके 2-3 अब तो वीडियो बनवा रहा है। हाँ जी, अब तो बनवाएगा, पकड़ा गया तो बनवाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक है जी। परसों पहले एक ये मशीन खड़ी होती है इसकी ये जीरी काटने वाली, जो इनकी है गुरुदेव चिम्मे की, पहले इन्होंने उसका शटर तोड़ने की कोशिश करी, शटर तोड़ के ताला इन पे टूटे नहीं, इन्होंने वहाँ से राड और इनके टूल वगैरह निकाल लिए, टूल वगैरह निकाल के और टूल के साथ इन्होंने जाके उस शटर को पड़ा, फिर वो चोरी करी। ये तो अंदाजा हो ही जाता है नशा करने वाले लोग हैं ये लोग। पहले इन्होंने वहाँ चोरी करने की कोशिश करी, वहाँ ये ज्यादा माल नहीं निकाल पाए, ये उसका फोरमैन है मशीन का, ये बताएगा आ जाओ, ये मशीन का फोरमैन है, इनकी मशीन खोल रखी थी, उसका वो निकाल रहे थे सर। तो फिलहाल एक मिनट देना जी, एक मिनट। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल इस युवक को साथ लेकर जाया जा रहा है और इसे मौके से ही पकड़ा गया और रामनगर पुलिस इसे साथ में लेकर जा रही है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। करनाल में लगातार चोरी के बढ़ते हुए मामले और लगातार नशे की चपेट में आते हुए युवा किस तरह से चोरी की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं, और अब रामनगर पुलिस मौके पर आई थी और इस युवक को साथ में लेकर जा रही है। डायल 112 की गाड़ी भी आप देख सकते हैं, ERV 429 है जो मौके पर पहुंची हुई है, और फिलहाल उसे हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ की जाएगी। तमाम जो लोग हैं उनका दावा है कि यही वो युवक है जो लगातार इलाके में चोरियां कर रहे थे, यही वो युवक है जो इलाके में लगातार चोरियां कर रहे थे। पुलिस कहां गई है अब, कहां पे गई है? दूसरे लड़के इसी बाखड़े के ऊपर चुके हैं, जो 3 है। अच्छा, उनको हमारे लड़के और जिप्सी लेने जा चुकी है। अच्छा, उन लड़कों ने पकड़ लिए हैं क्या? वो गए हैं, उनको फोन पे इसने बताया, उनसे पूछा भाई कहां हो, उन्होंने इसको बताया कि हम बाखड़ा पे इस जगह पे बैठे हैं। अब उनको ढूंढने के बाद चलकर वहां पर भी देखते हैं कि आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।